नमस्कार, मैं सानिया फलक। स्वागत है आप सभी का वोकल न्यूज शहडोल में। अमरकंटक में मुरुम का अवैध उत्खनन खनिज विभाग ने की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र में पीएम आवास योजना के ठेकेदार ने सरकारी जमीन से मुरुम की खुदाई कर उसका उपयोग पीएम आवास योजना से बन रहे मकान की भूमि को समतल करने के लिए किया। ठेकेदार ने बिना अनुमति के अवैध रूप से मुरुम उत्खनन का कार्य कर रहा था। इस अवैध रूप से मुरुम की खुदाई के बाद भूमि से जुड़े हुए जमीन पर लगे पेड़ पौधों की जड़ें कमजोर हो गई हैं और बारिश के मौसम में तेज हवाओं के कारण पेड़ पौधे गिरने का डर है, जिससे बड़ी घटना घट सकती। इसकी जानकारी जब खनिज विभाग के अधिकारी आशा लदा वैद को मिली, तब उन्होंने तुरंत जांच पड़ताल की और सारा मामला कलेक्टर को सौंप दिया। और कलेक्टर ने क्षेत्र के CMO परिषद को नोटिस जारी किया और इस गैर कानूनी रूप से हो रहे मुरुम के उत्खनन में जितने भी लोग शामिल हैं की सारी जानकारी मांगी। अमरकंटक स्मार्ट सिटी योजना में पीएम आवास योजना के तहत 850 मकान बनाए जाने हैं, जिसके लिए ठेकेदार को 20 करोड़ 8 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिसमें से ठेकेदार को 239 से अधिक पक्के भवन का निर्माण कार्य करना है। लेकिन ठेकेदार की इस अवैध रूप से मुरुम के उत्खनन कार्य करने से उस पर कार्यवाही होगी और उससे ठेका वापस लेकर दूसरों को दिया जाएगा। लेकिन इस कार्य की देखरेख के लिए अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। अब देखना यह है कि ठेकेदार इस लापरवाही के पीछे सिर्फ ठेकेदार है या प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से पीएम आवास योजना का काम रुका हुआ है, जिससे लोगों का घर नहीं बन पा रहा है और उन्हें परेशानी हो रही है। कब तक इस लापरवाही की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? धन्यवाद।